तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो मैं आज RC24 के मल्टीप्लेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। जब से RC24 का अपडेट आया था, मैं मल्टीप्लेयर खेला ही नहीं था, बट आज फर्स्ट टाइम खेला। मज़ा भी आया, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जहाँ पे गेम प्ले बहुत ख़राब लग रहा है, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी अपडेट आए उसमें एक चीज़ ऐड होनी चाहिए, उसके साथ आप भी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़राब लग रही है और बहुत कन्फ्यूजिंग है ये वाली चीज़। तो वो चीज़ जानने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो जैसे कि गाइस, बहुत सारे बग, क्रैश और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं RC24 में, बट ये जो अपन जो खेलते हैं गेम, तो वहाँ पे कंट्रोल्स, जो कंट्रोल बहुत कंफ्यूजिंग है कि अपन कौन सा यूज़ करें, कहाँ पे अपन डायरेक्शन में क्या दबाए, क्या खेले, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है और थोड़ा ब्लर भी दिखता है। जो पहला RC22 वाला था वो बहुत बेस्ट था, पर जब भी अपन नॉर्मल गेम प्ले खेलते हैं या मल्टीप्लेयर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे किसी बड़े टूर्नामेंट में। एक बार आदत हो जाएगी तो ठीक है, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना जो कंट्रोल्स है, जो जॉयस्टिक्स है, वो थोड़े चेंज होने चाहिए, एक नॉर्मल होने चाहिए, जैसे कि RC22 में थे, तो वो बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा चेंजेस करना चाहिए RC24 वालों को। बाकी अपडेट आने के बाद पता चल ही जाएगा। तो